हेलो फ्रेंड्स, यीशु कौन है के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने यीशु के कुछ कुछ नाम देखे, आने वाले मसीहा के नाम देखे, जैसे कि इमैनुअल। ऐजया 7:14 में हमने देखा कि यीशु मसीह का नाम इमैनुअल है, जिसका मायने है परमेश्वर हमारे साथ है। हमने ये भी देखा कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, ये भी नाम हमने सीखा। हमने ये भी सीखा कि उसका नाम अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। हमने यूहन्ना 1 में भी हमने उसके नाम देखे, जैसे कि हमने देखा कि यूहन्ना के 1:1-3 में देखा कि आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। यीशु आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु यीशु के बिना उत्पन्न नहीं हुआ। हम इस स्टडी को आगे जारी रखेंगे और हम जो पहला दूसरा सवाल जो है इस दूसरे सवाल में देखेंगे, जो पेज नंबर 9 में है। दूसरा सवाल यह है कि यूहन्ना 1:3 के अनुसार कौन सब वस्तुओं को रचने वाला है। इंग्लिश में सवाल यह है कि हु इज द क्रिएटर, इन जॉन 1:3 हु इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स। सो ये सभी वस्तुओं को रचने वाला कौन है यूहन्ना 1:3 में, जरा बताइए ब्रदर। यूहन्ना 1:3 के अनुसार सब कुछ उसी के द्वारा माने यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु यीशु बिना उत्पन्न नहीं हुई। ओके, तो रचने वाला कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह, वेरी गुड। हम आगे सवाल में जाएंगे और दूसरा सवाल जो पेज नंबर 9 से करेंगे। हम यूहन्ना 1:14 में पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच डेरा किया। यहाँ किसके बारे में जिक्र है? यूहन्ना 1:14 में किसके बारे में जिक्र है? यूहन्ना 1:14 में लिखता है कि वचन देहधारी हुआ, मायने यीशु देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, यानी हम इंसानों के बीच में डेरा किया और हमने उसकी, यानी इंसानों ने उसकी महिमा देखी जैसे इकलौती पिता के इकलौते की महिमा। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हमने देखा कि वचन देहधारी हुआ। देहधारी हुआ मतलब देह को धारण किया, ह्यूमन बॉडी को उसने धारण किया, एक ह्यूमन बॉडी को उसने धारण किया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा डाला, ये भी हमने देखा। अगले सवाल में जाएंगे, अगला सवाल देखेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी की वस्तुओं को कैसे और क्यों सृजा गया? स्वर्ग और पृथ्वी की वस्तुओं को कैसे और क्यों सृजा गया? यहां पर हम देखते हैं कि सारी वस्तुएं 16वीं आयत के अंदर देखते हैं, सारी वस्तुएं जो सृजी गई स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सब वस्तुओं यीशु के द्वारा यीशु के लिए सृजी गई। ये कुलुसियों का 1:16 है। तो यहां पर लिखा है कि यीशु के द्वारा और यीशु के लिए सृजी गई थी, तो सवाल का जवाब हमको मिल गया। एक और सवाल हमसे छूट गया, तो हम उसको भी जरा देखेंगे कि अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप कौन है, जो आपको कुलोसियों 1:15 में मिलेगा। हाँ जी, 15वीं आयत में लिखा है वो, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वेरी नाइस। So, वह कौन है वहां पर? यीशु मसीह। यीशु। सो यीशु, दूसरे शब्दों में करेंगे, यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। आपको याद होगा कि फिलिपोस को यीशु ने कुछ कहा था, फिलिपोस ने कुछ सवाल पूछा था, उसके जवाब में यीशु ने क्या कहा था, बताइए जरा। फिलिपोस ने कहा था, प्रभु हमको पिता के दर्शन करा दे। तो प्रभु यीशु ने उसे यूहन्ना 14 के अंतर कहा कि, और प्रभु ने कहा कि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। और बल्कि हैरानगी के साथ प्रभु ने कहा, फिलिपुस अभी तक तुमने पिता के दर्शन नहीं किए, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। वेरी गुड। तो इसका कारण क्यों है, यीशु ऐसे क्यों कह रहा है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा? कारण यह है कि क्योंकि यीशु मसीह का लिखा है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। ये जो सेक्शन में लास्ट सवाल है वो उस पे जरा देंगे हम लोग जाएंगे।
कुलियुसियो 1:17 के अनुसार कौन है जो पूरी सृष्टि को स्थिर रखता है? हाँ, तो कुलुषु 1:17 के अनुसार लिखा है फिर वही यानी यीशु सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं यीशु में ही स्थिर रहती हैं, उसी में स्थिर रहती हैं। यीशु सब वस्तुओं में प्रथम है और यीशु में सब वस्तुएं स्थिर रहती है। ये बहुत बड़ा दावा है। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो ये जो सब वस्तुएं जो कह रहा है, जो भूमंडल और आकाश में जो भी हम चांद तारे सितारे जो भी देखते हैं, सब वस्तुएं यीशु में स्थिर रहती है। ये बहुत बड़ा, बाइबल यीशु के बारे में बहुत बड़ा दावा कर रहा है। हम देखेंगे कि किस तरह यीशु इस दावा को अपने आप भी कर रहा है, हम इसको आगे देखेंगे। पर उसके पहले एक पहलौटा के बारे में अंतर्दृष्टि है, अतिरिक्त जानकारी है, उसको जरा पढ़िए। अतिरिक्त जानकारी है, ये पहलौटे का अर्थ पहला सृजा हुआ नहीं है। यद्यपि यीशु के पास मानवीय स्वभाव था पर उसके ईश्वरीय स्वभाव को कभी सृजा नहीं किया। जैसा यीशु ने कहा कि वह आदि में था, परमेश्वर के साथ था और सर्व परमेश्वर था। यूहन्ना ने कहा कि आदि में वे था, परमेश्वर के साथ था और वह परमेश्वर था। थोड़े से ये पहलौटे के बारे में थोड़ा इसमें से और समझाइए हमको कि क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, उभर के क्या आ रहा है। तो जब वो परमेश्वर के साथ आदि में था यानी वो ही परमेश्वर था, तो इसका मतलब क्लियर है कि वो सृजा गया नहीं था। और यहां पर पहलौठे का मतलब ये नहीं है कि वो सृजा गया है, पहलौठे का मतलब वो ही था पहले, पहलौठा वही है। तो उसमें मानवीय स्वभाव था क्योंकि उसने मनुष्य का देह धारण, मनुष्य को देह धारण किया था, देह को धारण किया था, तो मानवीय स्वभाव था। पर उसमें ईश्वरीय स्वभाव को सृजा नहीं गया था क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वो स्वभाव उसको पहले आदि से ही, उसके अंदर वो जो ईश्वरीय स्वभाव है वो आदि से ही यीशु मसीह के अंदर था। तो इसीलिए वो कह सकता है कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को या परमेश्वर पिता को देखा। आगे जाएंगे और पेज नंबर 10 का जो पहला पैराग्राफ है उसको जरा पढ़िए। इस दी गई घटना में यीशु यहूदियों से बातचीत कर रहा है। अब्राहम जो यहूदियों का पूर्वज था वह यीशु के जन्म से लगभग 2000 साल पहले हुआ और मर गया। तो अभी यूहन्ना का 8वां अध्याय वर्स 54-59 को पढ़ेंगे और यहां पर वार्तालाप यहूदियों और यीशु के बीच में हो रहा है और यीशु इब्राहिम के बारे में बहुत बड़ा, इब्राहिम के साथ या इब्राहिम को लेकर बहुत बड़ा दावा करने वाला है यहाँ पर। इस दावा को हम देखेंगे तो इसीलिए यहाँ पर इब्राहिम जो है वो मुख्य शब्द है। हम इब्राहिम को अ से निशान लगाएंगे और यीशु को भी हम फॉलो करेंगे और क्रॉस का निशान, क्रूस का निशान यीशु पर लगाएंगे और सभी सर्वनामों को भी देखेंगे। पढ़िए ब्रदर। आइए देखते हैं यूहन्ना 8:54-59। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने उसे नहीं जाना परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने के आशा में बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तो 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिप कर मंदिर से निकल गया। तो पहले सवाल में जाएंगे और यहां पर पहले सवाल के पहले एक अतिरिक्त जानकारी है मैं हूं के बारे में, वो जरा पढ़िए। अतिरिक्त जानकारी में लिखा है, मैं हूं वह नाम है जिसका इस्तेमाल परमेश्वर ने उस समय किया जब उसने जलती हुई झाड़ी में
मूसा को दर्शन दिया था। मूसा यीशु मसीह के जन्म से लगभग 1400 वर्ष पहले रहा था। परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल इज़राइल को मिस्र के दासत्व से छुड़ा लाने के लिए किया। जब यीशु अपना परिचय मैं हूं के रूप में देता है तो वह वही परमेश्वर होने का दावा करता है जो मूसा को जलती हुई झाड़ी में प्रकट हुआ था। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति या यीशु कह रहा है कि मेरा नाम मैं हूं, तो यहूदियों के मन में यही होगा कि ये तो नाम परमेश्वर का नाम है जो परमेश्वर ने मूसा से अब मूसा को प्रकट किया था, तो वो मैं हूं इसी को कह रहा है। तो सवाल देखेंगे, इन पदों में यीशु किस बात का दावा कर रहा है, वह अपने बारे में क्या प्रकट कर रहा है? हम देखेंगे कि क्या दावा कर रहा है। 54 से देखो जरा। हाँ, 54 से पहली बात, यीशु मसीह दावा कर रहा है कि वह उसकी महिमा परमेश्वर खुद करता है, पिता खुद उसकी महिमा करता है। कहते मैं अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं है, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है जिसे तुम अपना परमेश्वर कहते हो। okay. और ये भी दावा करता है कि मैं उसे जानता हूं, तुम नहीं जानते। okay. तुम चाहे उसको अपना परमेश्वर कहते हो पर तुम उसको नहीं जानते। और यदि कहता अगर मैं कहूं कि मैं नहीं जानता तो झूठा ठहरूंगा। और यह भी दावा करता है कि वह अब्राहम जो कि 2000 साल पहले उसके पहले यीशु के था, वो यीशु मसीह के आने का उस दिन का इंतजार करने के लिए बहुत मगन था। यानी ये अब्राहम ने यीशु मसीह को उस समय आत्मिक रूप से देखा होगा। हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे तो जब इब्राहिम झाड़ियों के बीच में बैठा था तो तीन व्यक्ति उसके पास आए, दो फरिश्ते थे और एक यहोवा था। तो इब्राहिम को तुरंत पहचान में आ गया कि ये जो है फरिश्ते और यहोवा मेरे मेरे यहाँ पर आए हैं, और ये तुरंत जाकर वो उनके लिए खाना बनाता है, उनको बिठाता है, उनके पाँव धोता है, तो और बहुत खुश हो जाता है। और वो इनफैक्ट बहुत एक बहुत बड़ा एक त्योहार या पार्टी जैसा वहां पर वो मनाता है। तो यहाँ पर यीशु क्या दावा कर रहा है, उसको ध्यान में रखकर यीशु यहाँ पर 56 में क्या दावा कर रहा है, तुम्हारा पिता इब्राहिम, बताइए। तो 56 आयत के अंदर कह रहा कि उस समय जब यीशु इब्राहिम ने यीशु को देखा था तो वो बहुत आनंदित हुआ। आपने जैसे कहा कि उसने बहुत अच्छी पार्टी दी उन लोग तीनों जनों को, जब वो उसके घर आए बहुत आनंदित हुआ और मगन हुआ। तो आज अगर कोई व्यक्ति जो है 30 साल का व्यक्ति दावा कर रहा है कि 100 साल पहले एक व्यक्ति को मैं मिला, उसके साथ में मैंने चाय नाश्ता किया, तो क्या रिएक्शन, लोगों का रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियस 57 में देखो, वो रिएक्शन जो है लाजमी है कि नहीं है? 57 में देखो यहूदियों का रिएक्शन क्या था। यहूदी तो परेशान हो ही गए। यहूदियों ने कहा तू अभी तो 50 साल का नहीं है, 50 वर्ष का नहीं है, फिर भी तू अब्राहम को तुमने देखा, ये कैसे हो सकता है? उनको समझ में नहीं आ रहा। तो आगे वो यीशु जो है इससे भी बहुत बड़ा दावा कर रहा है। वो कह ही नहीं रहा कि 2000 साल पहले, यही कह रहा है कि 2000 साल पहले इब्राहिम ने मुझे देखा, वो बहुत खुश हुआ, मग्न हुआ। पर इसके अलावा और एक दावा कर रहा है 58 में कि 58 में देखो क्या बोल रहा है वो। 58 आयत के अंदर देखते हैं, अभी यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। मैं हूं। तो आप जरा सोचो उनको क्या शौक हो गया होगा। बोला कि इब्राहिम 2000 साल पहले मुझे देखा, मेरे से बहुत मग्न हुआ, मेरे साथ उन्होंने डिनर खाया या लंच खाया, बट इसके अलावा इब्राहिम से पहले, जब इब्राहिम पैदा हुआ उससे पहले मैं उत्पन्न हुआ, मैं हूं। तो जाहिर सी बात है कि वो यीशु अपने बारे में क्या दावा कर रहा था वहां पर, कि वो कौन होने का दावा कर रहा था। आदि में वही था। और ठीक है, अगले सवाल में जाएंगे, देखेंगे, क्योंकि इसमें और भी सवाल जवाब हम करने वाले। और अगला सवाल है, यहूदियों ने यीशु के दावे का विरोध कैसे किया? हमने यहां पर देखा क्या क्या विरोध किया 57 में।
50 यहूदियों ने उसे कहा अब तक तो 50 का वर्ष का नहीं हुआ, फिर भी तो उन्होंने अब्राहम को देखा है। उस बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन था उनके माइंड के अंदर, लॉजिकल नहीं था उनको कि तू 50 वर्ष का नहीं, वर्ष का नहीं है, तूने 2000 साल पहले अब्राहम को कैसे देखा। तो देखा आगे जाएंगे, यीशु ने उनके विरोध का प्रत्युत्तर कैसे दिया, तो हमने वो भी देखा बट एक बार और देख लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। प्रत्युत्तर कैसे दिया 58 में देखो, यीशु ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, एकदम से कह दिया मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। तो ये जो सच सच है बाइबल में इस्तेमाल, अब्राहम से पहले था, ये सच सच जो है बाइबल में बहुत बार इस्तेमाल हुआ है, और ये जो इस्तेमाल होने का मतलब है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये जो ट्रूली ट्रूली आई से अनटू यू, तो उसका दूसरा मायने हुआ कि ये जो मैं बात कहने वाला हूं उसमें कोई भी शक की बात नहीं है, तो ये कहने का मतलब हो गया उसका। तो ये दूसरे शब्दों में कहेंगे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं या इसमें कोई शंका नहीं है कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, देखो हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, उत्पन्न हुआ मतलब पैदा हुआ, तब मैं हूं, मैं हूं। वेरी गुड। तो आगे जाएंगे, आपको क्या लगता है किस बात से यहूदी क्रोधित हुए हुए होंगे कि उन्होंने पद 59 में यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए। तो यहां पर पत्थर उठाए, इसका कनेक्शन पुराने नियम से एक है, जहां पर पुराने नियम का एक लॉ है, वो क्या लॉ है और उस लॉ की शिक्षा क्या है, उस आज्ञा की शिक्षा क्या है, जरा बताइए, जरा जस्ट स्लाइड बता दीजिए, उस पर रेफरेंस पे जाने की जरूरत नहीं है। यीशु यहां पर क्या दावा कर रहा था, परमेश्वर की निंदा करना या कोई भी परमेश्वर की बराबरी करे उसके नाम की निंदा करना के बराबर है, तो उनको जरूर लग रहा था कि ये जरूर परमेश्वर की निंदा कर रहा है, जो अपने आप को उसके बराबर कर रहा है। तो बहुत उनकी उनकी बात जो वजह थी वो वाजिब है कि वो नहीं मान समझ पा रहे थे कि वो कैसे हो सकता कि एक इंसान अपने आप को परमेश्वर जैसा तो अगर देखिए आज सिंपल सा बात है, जाहिर सा बात है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है, हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, मतलब सभी जगहों में एक साथ एक समय पर वो रह सकता है, एंड ओमनीशियंट मतलब कि सभी चीजें, वो सभी चीजें की जानकारी रख सकता है। तो अगर एक व्यक्ति आज कहे कि मैं ओमनीपोटेंट हूं या मैं सब कुछ कर सकता हूं या मैं सब जगह पर एक ही टाइम पर सब जगह जा सकता हूं, तो वो क्या दूसरे शब्दों में किस चीज की दावा कर रहा है, क्या बनने की, क्या होने की दावा कर रहा है? वो बिल्कुल कह रहा है कि जो उस समय जो था, कहता वो 2000 साल पहले भी था, आज भी हूं और फ्यूचर को भी जानता है। समय समय के दायरे के अंदर परमेश्वर नहीं रह सकता, परमेश्वर के लिए कोई सीमा नहीं है, चाहे समय का हो चाहे और कोई भी चीज हो। तो दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर बनने के, परमेश्वर होने का दावा कर रहा है, ईश्वरीय स्वभाव रखने का दावा यीशु मसीह कर रहा है, जिसे हम इंग्लिश में ब्लास्फेमी बोलते हैं, ब्लास्फेमी ना, या निंदा, ईश्वरीय निंदा, हिंदी में उसको ईश्वरीय निंदा और उर्दू में उसको शिर्क, उर्दू या अरबी में हम उसको शिर्क बोलते हैं, जो सबसे बड़ा गुनाह है, ईश्वर बनना या ईश्वर का स्वभाव अपने ऊपर में क्लेम करना। तो ईश्वरीय निंदा यहां पर यहूदियों के समझ में ये आया कि ये अगर साधारण व्यक्ति है, एक नॉर्मल व्यक्ति है, तो इस तरह का क्लेम वो अपने बारे में नहीं कर सकता है। और ईश्वरीय निंदा का जो शिक्षा था पुराने नियम में, वो पथराव था, जब तक पथराव करो उस व्यक्ति को तब तक उसका वो मर ना जाए, तो इसीलिए उन्होंने पत्थर उठाए। उनका रिएक्शन जो था वो उनके लॉ के हिसाब से था, उनके शरीयत के हिसाब से था, और वो शरीयत कहता है कि इसको पत्थर मारकर मार, इसको पत्थर फेंक कर मार दो। तो वो था, आगे जाएंगे और थोड़ा सा और इस पर हम गौर फरमाएंगे कि इब्रानियों को पढ़े, एक अध्याय एक का एक से तीन और दस का दस और दस से बारह, और पुत्र और प्रभु यीशु के सभी संदर्भों पर क्रूस का निशान हम लगाएंगे, और यह बार जो है परमेश्वर पिता के ऊपर एक त्रिकोण लगाएंगे और सर्वनाम को भी देखेंगे। पढ़िए बिल, इब्रानियों का पहला अध्याय पहली आयत से लिखता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने
बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुएं को उसने अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महिम के दाहिने हाथ चला बैठा। और 10 से पढ़ते हैं हम, और ये कि प्रभु ये प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वह तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा और वह सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वह वस्त्र के समान बदल जाएंगे और तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। ओके, वेरी गुड। यहाँ से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, बहुत एक्साइटिंग वर्स है ये। और हम पहले सवाल में जाएंगे और पहला सवाल देखेंगे, पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं या पूर्वजों से कैसे बात की, वह अब हमसे किस तरह बातें करता है। तो इसका हमें वचन 1 और 2 में इसका जवाब मिलेगा कि पूर्व युग में परमेश्वर किस तरह बात किया और अब के जमाने में हमसे किस तरह बात कर रहा है। जरा बताइए, 1 और 2 को ध्यान दीजिए। भजन इब्रानियों 1 का पहले आयत में लिखता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादा से थोड़ा थोड़ा करके, सब बातें एक साथ नहीं करती थी, थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करी थी। ओके, तो ये परमेश्वर कौन है? परमेश्वर पिता। तो क्योंकि हमने वहां पर त्रिकोण लगाया, तो परमेश्वर पिता बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर रहे कर किया। तो अभी हम 2 में देखेंगे, पर लेकिन दूसरी आयत में लिखा है इन अंतिम दिनों में, मतलब यीशु मसीह के समय से लेकर कह सकते हैं, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, यीशु मसीह के द्वारा। देखिए, तो अभी परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु। ओके, आगे बढ़िए। और जिसे उसने अभी हम कह सकते हैं परमेश्वर ने, जिसे मतलब यीशु मसीह को परमेश्वर ने सारी वस्तुओं को वारिस ठहराया और यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको फोकस करेंगे कि जिसे परमेश्वर पिता ने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। तो हम यहाँ पर यीशु मसीह पिता पुत्र कैसे हुए, पिता का पुत्र या परमेश्वर का पुत्र कैसे हुआ, इसका कारण यह है कि जो पुत्र है वो क्या है, पिता का पुत्र, पिता के सारी वस्तुओं का कौन है? वारिस है। इसीलिए वो पुत्र है। देखिए, हम बहुत बार ये सन ऑफ गॉड कॉन्सेप्ट जो है समझते नहीं है। समझना ये है कि जो पुत्र है वो वारिस है। यीशु मसीह कौन था? वो पुत्र था, क्योंकि वो वहां पर लिखा है सभी वस्तुओं का वारिस ठहराया। और दूसरा वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है कि उसी के द्वारा। अच्छा, वो वारिस क्यों ठहराया, या कोई फरिश्ते को वहां पर वारिस क्यों नहीं ठहराया? क्या लिखा है वहां पर वचन 2 का जो है अंतिम भाग में क्या लिखा है? फरिश्ते को वारिस क्यों नहीं ठहराया? परमेश्वर पिता ने कोई एक फरिश्ते को, गिब्राइल हो या मिखाइल हो, इसको वारिस क्यों नहीं ठहराया और यीशु को क्यों वारिस ठहराया? वहां पर लिखा है क्योंकि उस पिता परमेश्वर ने यीशु के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना की। ओके, वेरी नाइस। तो यहां पर जवाब भी दिया है कि पुत्र को वारिस ठहराया क्योंकि उसी के द्वारा उसने या पिता परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। तो राइटफुल हेयर जो है वो जो या सही रीति से वारिस कौन है? यीशु मसीह पुत्र है या यीशु मसीह है। आगे देखेंगे कि क्या लिखा है वहां पर, आगे आगे वाले वचन में पढ़िए। फिर आगे लिखा है 3 आयत के अंदर, यीशु पिता की महिमा का प्रकाश है, यानी पिता के तत्व की छाप है।
ओके तो अभी अगला सवाल और इसमें है कि यीशु के बारे में, अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे और ये वचन 3 से हम देखेंगे, इन वचनों में हमने यीशु के बारे में क्या सीखा, क्या सीखते हैं? तो अभी वचन 3 से आप कवर कीजिए, क्या सीखते हैं हम? अब यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह पिता की महिमा का प्रकाश है और यीशु मसीह परमेश्वर की पिता की के तत्व की छाप है। जो हम कह रहे थे अभी उसको देख लिया, तो पिता को देख लिया, उसी की छाप है वो। और सब वस्तुओं को यीशु समर्थ के वचन से, यानी परमेश्वर के वचन से संभालता है। इसका भी थोड़ा सा हम इसको जूस निकालेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश। देखिए, अगर हमें किसी की महिमा, परमेश्वर पिता की महिमा देखना है, तो हमें इस यहाँ किसको देखना है यहाँ पर, क्योंकि ये किसके बारे में, वह कौन है? पुत्र को, पुत्र। तो पुत्र परमेश्वर, हाँ, यीशु मसीह, पुत्र पिता का महिमा का प्रकाश। तो पिता का महिमा किस पर दिखाई देगा? पुत्र में, पुत्र पर। और उसके तत्व की छाप है, पुत्र जो है वो उसके तत्व की छाप है। इंग्लिश में लिखा है, इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज नेचर। मतलब परमेश्वर पिता का जो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, पुत्र जो है वो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड्स नेचर। ये दूसरे शब्दों में कहेंगे कि उसके अंदर में खूट खूट कर परमेश्वर भरा है, परमेश्वर का गुण यीशु मसीह में कूट कूट कर भरा है, क्योंकि वो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज नेचर है, उसके तत्व की छाप है। और सब वस्तुओं को, देखिए इंटरेस्टिंग यहां पर और भी इंटरेस्टिंग हो रहा है, सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। ये कौन संभालता है सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से? यीशु मसीह पिता के वचन को, वचन के वचन कूट कूट कर उसके अंदर भरा हुआ है, कूट कूट कर वो वचन और उस वचन की सामर्थ से वो संभालता है। ओके और पर इसमें और एक चीज बहुत, यहाँ पर कहानी एक दूसरे दूसरा मोड़ ले लेती है, और जो आखिर में क्या लिखा है वो हमारे लिए आकर कुछ करता है। इतना बड़ा महान परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर मनुष्य जाति के लिए क्या कर रहा है? और यहाँ पर लिखता है कि वह, यानी यीशु मसीह पुत्र, पिता का पुत्र, पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर विराजमान या महिमा महिम के दाहिने हाथ जा बैठा। तो थोड़ा बताइए, पापों को किस तरह उसने धोया? हमको सब पता है, हिस्ट्री पता है, पर जरा बताइए यहाँ पर हमारे दर्शकों को बताइए कि ये यीशु जो पिता का छाप है, उसने हमारे लिए क्या किया? अब यहाँ पर पिता की वो सारी बात, पिता की सारी बात, पाप का दंड मृत्यु है। अब यीशु मसीह ने उस मृत्यु को, एक इंसान मानवीय शरीर के अंदर उस मृत्यु का दंड उसने अपने ऊपर लिया, क्योंकि वो पिता की छाप है। बिल्कुल वो वही करता है जो पिता चाहता है ना, कि पिता अगर शरीर के अंदर पाप है तो उस शरीर का तो दंड है, वो मृत्यु है। और यीशु ने अपने मानवीय शरीर के अंदर हम सब के, जगत के पाप को ले लिया। तो पिता की वो मर्जी को, उसकी जो इच्छा थी, इस पाप का दंड मृत्यु है, उसने मृत्यु को, दंड को अपने ऊपर लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से तो हमारे पापों को धोकर उस लहू में बहाए जाने से वो फिर वो पिता के पास वापस उस महिमा में स्थान में जा से वो आया था, वही वो जा बैठा। तो सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और पिता के दाहिने ओर जाकर बैठा है, और आज हमारे लिए पिता के दाहिने ओर से हमारे लिए वो इंटरसीड कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है। वचन 10 में जाएंगे, पर वचन 10 के पहले एक छोटा सा इंसाइट वहां पर दिया है, उसको हम मैं जरा पढ़ता हूं। नीचे दिए गए पदों में परमेश्वर पिता अपने पुत्र से बात कर रहा है। तो ये जो अगला जो सेक्शन हम पढ़ेंगे या वर्स वचन को पढ़ेंगे, ये किसके बीच में बातचीत हो रहा है? पिता और पुत्र के बीच में बातचीत हो रहा है। तो अभी बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं कि यीशु मसीह ने कहां कहां कि मैं खुदा हूं, या वेयर डिड जीसस से आई एम गॉड। यहां पर
साधारण व्यक्ति यीशु को गॉड नहीं बुला रहे, यीशु अपने आप को गॉड नहीं बुला रहा है, या कोई फरिश्ता अपने आप को उसको यीशु को गॉड नहीं बुला रहा है, पर हम देखेंगे कि पिता पुत्र को किस तरह एड्रेस कर रहा है या पिता पुत्र से क्या कह रहा है। पढ़िए ब्रदर, 10 वचन 10 को पढ़िए। बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर 10वीं आयत से, और ये कि ये प्रभु यानी कि यीशु मसीह के बारे में हो रहा है, ये प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। ओके, तो अभी पिता पुत्र को क्या क्या नाम से पुकार रहा है, देखिए वहां पर पिता प्रभु प्रभु तो, प्रभु। तो अभी मुझे बताइए कि यीशु जब पिता पुत्र को प्रभु बोल रहा है, और इंग्लिश में लिखा है यू ओ लॉर्ड इन द बिगिनिंग, और ये जो लॉर्ड का ट्रांसलेशन है वो यहोवा है, तो पिता पुत्र को कह रहा है कि यू लॉर्ड यहोवा और याहवे इन द बिगिनिंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ। यहां पर लिखा है कि हे प्रभु या ये हे याहवे आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। अभी बताइए नींव डाली तो कौन, वो कितना महान परमेश्वर होगा यीशु मसीह वहां पर। नींव मतलब क्या हो गया, पृथ्वी की नींव, पृथ्वी की फाउंडेशन डाल दिया, नींव डाल दी मैंने। और क्या लिखा है वहां पर, और स्वर्ग, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। यस, हम अभी के हाथों का हम देखिए इतना ब्यूटीफुल यूनिवर्स को बनाया है परमेश्वर ने, और यहां पर लिखा है कि ये जो बनाने वाला परमेश्वर अकेला नहीं है, या परमेश्वर पिता खुद नहीं, खुद साथ में और कोई है वहां पर। नींव किसने डाला और कारीगरी किसकी है वहां पर, पुत्र की कारीगरी, यीशु मसीह की कारीगरी। तो आगे देखेंगे 11 में क्या लिखा है, और ये भी वो यहाँ पर पिता ही कह रहा है, पिता ही पुत्र के बारे में कह रहा है कि ये वे तो नष्ट हो जाएंगे। अब पिता पुत्र के बारे में कह रहा है यहाँ पर, वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, यानी पुत्र तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वस्त्र के समान बदले जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। ये पिता पुत्र के बारे में कह रहा है। तो पिता पुत्र के बारे में क्या लपेटने की बात कर रहा है, किस किसको लपेटने की बात कर रहा है, क्या चीज लपेटे, पूरे पूरा ब्रह्मांड, पूरा जो कुछ उसने बनाया है, कहता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, वस्त्र के समान पुराना कर देगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएंगे, वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर लेकिन तू नहीं बदलेगा, यानी पुत्र वैसा के वैसा ही रहेगा और उसके वर्षों का कोई अंत नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जो न्यू हेवन और न्यू अर्थ जो है, नया पृथ्वी और नया आकाश जो है, वो एक दिन पुत्र क्या करेगा, तू उन्हें चादर के समान पुराने को लपटेगा, और वे वस्त्र के समान तू उसको बदलेगा, और पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। ये गवाही पिता पुत्र के बारे में दे रहा है, इससे बड़ी गवाही, इससे बड़ी कोई गवाही है, आप बताइए जरा। बिल्कुल नहीं जी, ये परमेश्वर खुद कह रहा है, यीशु मसीह के पिता पुत्र के बारे में कह रहा है। वेरी गुड, तो अगले सेक्शन में जाएंगे। जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा तब यीशु कहाँ था, तो जब हम परमेश्वर ने सृष्टि को रचा तो यीशु कहाँ था, ये वचन 2 में और 10 में देखेंगे इसका जवाब। हाँ, वचन 2 के अंदर हम देखते हैं कि अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस है और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की, यानी परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा सब सृष्टियों की रचना की है। तो सृष्टि की रचना करते वक्त यीशु कहाँ पर था यहाँ पर, इस वचन के हिसाब से? पिता के साथ था, क्योंकि लिखा है कि उसी के द्वारा उसने, परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। वचन 10 में देखो उसका और एक जवाब आपको मिलेगा। और पिता भी तो कह रहा ना, अभी हमने देखा था कि पिता पुत्र के बारे में क्या कहता है कि तूने पृथ्वी की नींव डाली। ओके, यानी पुत्र के बारे में कहता है कि तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। तो सृष्टि करने से पहले या सृष्टि करने के वक्त में कौन किसके साथ था और कौन ये सब कर रहा था? पुत्र पिता के साथ था।
और पुत्र जो है वो सृष्टि की रचना कर रहा था। या वेरी गुड। अगले सेक्शन में जाएंगे, अगले सवाल में जाएंगे। कौन सब वस्तुओं को संभालता है और कैसे? कौन सब वस्तुओं को संभालता है और कैसे? वचन 3 में इसका जवाब देखेंगे। और यहां पर यह फिर वही बात आती है कि यीशु मसीह वही अपने वचन की यानी परमेश्वर के वचन के साथ में संभालता है, उसके वचन की सामर्थ से संभालता है। और बस यही है सब कुछ, उसके अंदर यीशु मसीह ही है जो सब वस्तुओं को संभालता है। तो यहां पर लिखा है कि वह सब वस्तुओं को अपने वचन के सामर्थ के से संभालता है। यहां पर लिखा है सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। उसका वचन जो है उसमें सामर्थ है, और उस सामर्थ के वचन को सब वस्तुओं को संभालता है। अगले सवाल में जाएंगे। अगला सवाल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु यीशु अब कहाँ है? जरा जवाब दीजिए। वचन 3 में देखिए इसका जवाब आपको मिलेगा। यीशु अब ये जो कहाँ हम है? तीसरी आयत में देखते हैं, तीसरी आयत में लिखा है कि अब वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर, स्वर्गीय स्थानों पर महिमा में के दाहिने हाथ जा बैठा, यानी कि पिता के जहां से वो आया था वही पिता के साथ था, वहीं पर अभी वो वापस चला गया। वेरी गुड। तो अभी पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा, या महिमा महीन के दाहिने हाथ जा बैठा। तो अभी अगला सवाल में देखेंगे। अगला सवाल क्या है? पृथ्वी की नींव किसने डाली और स्वर्ग किसके हाथों की कारीगरी है? इसको हमने कवर किया, किसने डाली और किसके हाथों की कारीगरी है, हमने देखा ऑलरेडी। बता दीजिए जरा। हाँ, बस यीशु मसीह ने पिता खुद गवाही दे रहा था ना कि पिता पुत्र ने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कारीगरी तो यीशु मसीह की ही है। वेरी नाइस। और आखिरी सवाल इस सेक्शन का है, यीशु स्वर्ग और पृथ्वी के साथ क्या करेगा? हमने वो भी देखा, तो जरा एक बार बता दीजिए कि स्वर्ग और पृथ्वी के साथ वो क्या करेगा? वही आपने जैसे अभी बात करी थी कि नया आकाश नई इस पृथ्वी होगी और उसको चादर के समान लपेट कर देगा, खत्म कर देगा, वो चले जाएंगे, पर लेकिन वो अनंत काल का है, वो हमेशा से रहेगा, सब कुछ वो खत्म कर देगा। अगले सेक्शन में जो अतिरिक्त जानकारी है उसको जरा पढ़िए। अतिरिक्त जानकारी में पढ़ते हैं, सामान्यतः वारिस का अर्थ उस व्यक्ति से है जो कानूनी रूप से किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी संपत्ति या पद का उत्तराधिकारी होता है। हालांकि यहां तो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को सब वस्तुओं के ऊपर वारिस ठहराया, वह इस तथ्य से जुड़ा है कि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा ही समस्त सृष्टि को रचा। स्पष्ट है कि परमेश्वर ने मरकर अपने पुत्र के लिए विरासत नहीं छोड़ी। ये वचन ये भी बताते हैं कि यीशु सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है, और ये कि उसने पापों को धोया और पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। हम यीशु के व्यक्तित्व और कार्य के बारे में अगले अध्याय में जानेंगे। यूहन्ना का, अभी ये हम लोग इस अध्याय को या इस एपिसोड को खत्म करेंगे, पर उसके पहले यूहन्ना का 17वीं अध्याय 1 से 5 में हम देखेंगे। और पुत्र और यीशु पर हम क्रूस का निशान लगाएंगे और परमेश्वर पर त्रिकोण लगाएंगे, और यहां से भी कुछ हम निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। पढ़िए ब्रदर। यूहन्ना 17 का पहली 5 आयतें में लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता,
तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। ओके, तो अभी हम यहाँ पर सवाल जवाब में जाएंगे, और जो सवाल है ये है, आपने इन पदों से यीशु के बारे में क्या सीखा, आपने परमेश्वर पिता के बारे में क्या सीखा। ये दो सवाल को हम कंबाइन करेंगे और दोनों का जवाब हम एक एक वचन करके हम लोग इसका जवाब ढूंढेंगे। तो वचन एक में जाइए, क्रॉस बनाया हमने, क्रूस बनाया, त्रिकोण बनाया, तो हम देखेंगे कि यीशु के बारे में क्या हम सीख रहे हैं, पिता के बारे में क्या सीख रहे हैं। हमारे दर्शकों से हमारा यही कहना है कि आप दो कॉलम बनाओ वहां पर, और एक कॉलम में यीशु के बारे में लिखो और एक कॉलम में पिता के बारे में लिखो। तो देखेंगे ब्रदर क्या लिखा है वहां पर, पढ़िए। अब यहां पर पहली आयत में हम देखते हैं कि यीशु जो कि पिता का पुत्र है, वह अपने पिता से बात कर रहा है कि जैसे वो घड़ी आ पहुंची है, इसका मतलब कि वह समय का जिस मकसद के लिए वो संसार में आया था वो समय आ चुका था, यानी कि वो क्रूस का समय था, क्रूस पर मृत्यु का समय था, और वह ये समय था कि अपने पुत्र की महिमा करे, वो उसके बहुत वो इसी मकसद के लिए था, कहता था अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, ठीक है ना। और यहाँ पर वो पिता जो है पुत्र को महिमा देता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता पुत्र को महिमा देता है, पुत्र पिता को महिमा देता है, तो ये दोनों दोनों यहाँ पर दोनों एक दूसरे को महिमा दे रहे हैं। तो ये एक ट्रिनिटी के बारे में हम सीखते हैं कि ट्रिनिटी में जो है वो दो व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है हमको, और एक है पर पवित्र आत्मा, पर यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में जिक्र है जो दोनों एक दूसरे को महिमा कर रहा है। वचन दो में देखेंगे, वचन दो में कहता है कि तूने यानी पिता ने पुत्र को सब प्राणियों पर अधिकार दिया, यानी पिता ने पुत्र को सब प्राणियों पर अधिकार दिया, और पिता ने उसको दिया है, और सबको पुत्र जो है अनंत जीवन देता है। यस, हाँ, पुत्र अनंत जीवन देता है। तो पुत्र का अधिकार यहाँ पर क्या है, किस तरह का अधिकार है पुत्र के पास? सब प्राणियों के ऊपर अधिकार है, और पुत्र अनंत जीवन देने का अधिकार रखता है। यस यस, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सब प्राणियों के ऊपर पुत्र का अधिकार दिया है पिता ने, और अनंत जीवन भी पुत्र देता है। पर एक बात हमें मिस नहीं करना है, यहाँ पर लिखा है कि जिन्हें तूने उसको दिया है। देखिए, पिता के पास या पुत्र के पास कौन आ सकता है, जिसको पिता ने पुत्र को दिया है। तो यहां पर स्पष्ट रीति से दिखाई देता है कि पिता जब तक किसी को हमने बाइबल वर्स भी वचन भी है कि जब तक पिता किसी को आकर्षित ना करे वो पुत्र के पास कतई ही नहीं आ सकता। तो यहां पर लिखा है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। तो दूसरे शब्दों में पिता ने जिसे भी चुना है उसे पुत्र क्या करेगा, उसको उसको पुत्र क्या करेगा, अनंत जीवन देगा, अधिकार उसके पास है। वचन तीन में देखेंगे, और वो कहता है कि अनंत जीवन, यीशु मसीह की जो बात चल रही थी, प्रार्थना चल रही थी, वो कहता है कि अनंत जीवन ये है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, यानी कि दोनों को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, पिता को भी और पुत्र को भी, और ये कि पिता ने पुत्र को इस जगत में भेजा। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई समुदाय कहे कि हम बस पिता पर विश्वास करते हैं, पुत्र पर विश्वास नहीं करते, तो वो अनंत जीवन पा सकते हैं? यहाँ पर क्या लिखा है, कंडीशन है, पा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं पा सकते। कंडीशन यह है कि अनंत जीवन यह है कि तुझ मात्र एक सच्चे परमेश्वर को, नंबर वन, और नंबर टू, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, दोनों को जानने की जरूरत है। तो हम ये सवाल का जवाब भी हमें मिल जाता है कि कोई कोई जो लोग है या समुदाय है जो ट्रिनिटी पर विश्वास नहीं करते या त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, तो वो उनका सैल्वेशन यहां पर नहीं है बोल के बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है। विश्वास आपको ट्रिनिटी पर करना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर करना है, इसी से आपका सैल्वेशन, आपको इसी से आपको उद्धार प्राप्त हो सकता है। वचन चार में देखेंगे क्या है करके,
और आगे प्रभु यीशु मसीह फिर प्रार्थना करता जा रहा है कि जो कार्य तूने मुझे दिया, यानी पिता ने पुत्र को दिया, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया दिया था उसे पूरा करके मैंने, यानी पुत्र ने, पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, पिता की ओके, महिमा की है। वेरी गुड। जो कार्य के बारे में क्या लिखा है, वो कार्य क्या था? हम आपने बताया पहले, तो एक बार और बता दीजिए जरा, क्या कार्य पिता ने पुत्र को दिया था? पिता ने पुत्र को जगत में किसके लिए भेजा था? कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। क्या करने के लिए आया था? बिल्कुल हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान देने के लिए, वो समय अंतिम घड़ी जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था। ये इस पूरे शब्दों वचनों में यही तो लिखा था कि वो घड़ी आ पहुंची है, कि वो पूरे जगत के पाप ले और हमारे नजात के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए वो बलिदान दे, लहू बहाए, मर जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर ये सिद्ध कर दे कि वो सिर्फ पाप के ऊपर हमें क्षमा ही नहीं करता, बल्कि मृत्यु के ऊपर वो जयवंत होता है। आमीन आमीन। तो अगला जो वचन है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहां पर यीशु अपने बारे में क्या दावा कर रहा है, जरा पढ़िए वचन 5। अब वो प्रार्थना करता है, हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। बिल्कुल क्लियर है जी, यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से पहले पिता के साथ था और महिमा में था। कोई साधारण इंसान या साधारण प्रॉफेट या नबी या फरिश्ता इस तरह का दावा कर सकता है? बिल्कुल नहीं, वो सब क्रिएशन है जी, वो सब सृष्टि है, यीशु में तो सृष्टि करता है। वेरी गुड। अब तो बहुत इंटरेस्टिंग, इसको मैं एक बार पढ़ लेता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है ये। अब हे पिता, यीशु ने अपने अपने मुंह से ये शब्द कहे। दूसरे जो बहुत सारे जब हमने पढ़ा तो वो किसी प्रॉफेट या अपोस्टल जो है वो यीशु के बारे में कह रहा है, पर यीशु ये खुद अपने बारे में दावा कर रहा है कि अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो मेरा महिमा तेरे साथ जो जगत की सृष्टि से पहले था उस महिमा से मेरी महिमा कर। तो जगत, वो यहां पर दावा कर रहा है कि जगत की सृष्टि से पहले यीशु परमेश्वर पिता के साथ था। ओके, अगले सेक्शन में बिल्कुल जाएंगे और दूसरा सवाल यहां पर है। दूसरे पद में यीशु क्या कहता है कि उसके पास है, वह उसे किसने दिया और यीशु उससे क्या करेगा? तो हमने इसको कवर किया पर जरा क्विकली हम इसको देखेंगे। पद 2 में यीशु क्या कह रहा है, क्या उसके पास है और किसने उसे दिया? दूसरे पद में पिता ने उसको, यानी यीशु मसीह को, सब प्राणियों पर अधिकार दिया है और पिता ने उसको दिया है कि वो जिसको चाहे वह अनंत जीवन दे। सब प्राणियों को पुत्र जिसको चाहे वो अनंत जीवन दे सकता है। सारा अधिकार पिता ने पुत्र को दिया। कि जिन्हें तूने उसको दिया है, तो जो जिन्हें जिन लोगों को पिता ने पुत्र को दिया है उनको पुत्र को क्या करना है? अनंत जीवन देना है। अनंत जीवन सब लोगों, सब प्राणियों को जिसे चाहे पुत्र अनंत जीवन दे सकता है। पर कंडीशन ये है कि वो पिता पुत्र को देना है। वो जो जो प्राणी जो है या जो व्यक्ति को पिता पुत्र को देगा उसको पुत्र अनंत जीवन देगा, दे सकता है, दे सकता है। देता वेरी है, गुड, वेरी गुड। अगले पर सेक्शन यह में है कि कंडीशन ये, पिता पुत्र को दे, पिता जो है प्राणी को पुत्र के हाथों में दे। पुत्र के हाथ में मिलेगा। वेरी गुड। अगले सवाल में जाएंगे। तीसरे पद में यीशु ने क्या कहा कि अनंत जीवन है? तो हमने इसको कवर किया पर एक बार और इसको रिकैप करेंगे कि अनंत जीवन क्या है। पद 3 में अनंत अनंत जीवन तीसरे पद में लिखा है कि वे दोनों को जाने। अनंत जीवन ये है कि वह तुझे, यानी पिता को, जो कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और यीशु मसीह को जिसे पिता ने भेजा है, जानने, ये जानना बहुत जरूरी है। तो दो व्यक्ति को जानना जरूरी है, क्या पिता और पुत्र को। वेरी गुड।
वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट अगले सवाल में जाएंगे। पद पांच में यीशु ने स्वयं क्या होने का दावा किया? क्या आपने देखा कि यह किस प्रकार उन सब के साथ सामान्य में है जो हमने पिछले पुष्टों में यीशु के विशेष विषय में सीखा था? तो पद पांच में यीशु ने स्वयं क्या होने का दावा किया, इसको जरा कवर करेंगे। पद पांच में भाई हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी महिमा को पिता के साथ, वो महिमा जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले थी, जगत की से पहले थी, यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि पिता तुमने अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले पुत्र की पिता के साथ थी। या दूसरे शब्दों में कहेंगे तो यीशु मसीह पिता के साथ जगत की सृष्टि से पहले होने का दावा कर रहा है, दावा और दावा यह भी कर रहा है कि वो महिमा में पिता के साथ जगत की सृष्टि से पहले था, था उसको महिमा था पिता के साथ। वेरी गुड। तो अभी हम इसको हमारे जो जो फर्स्ट लेसन है यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म और पूर्व अस्तित्व को समाप्त करेंगे, और यहाँ पर एक रैपिड अप सेक्शन है, इसको पढ़कर हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। पढ़िए ब्रदर। आइए संक्षेप में देखते हैं कि इस अध्याय में हमने देखा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसे इमानुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ कहा गया है। हमने देखा कि भविष्य की प्रभुता यीशु के कांधों पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। यीशु की प्रभुता और शांति सर्वदा बढ़ती रहेगी और उनका अंत ना होगा। उसका राज्य न्याय और धार्मिकता का होगा। वह पृथ्वी पर सदा सर्वदा के लिए राज्य करेगा। हमने ये भी देखा कि आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसके द्वारा अस्तित्व में आया। सब कुछ का अर्थ सृजी हुई वस्तुएं हैं। वह महिमा में है और अनुग्रह तथा सच्चाई से परिपूर्ण है। यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और परमेश्वर की सब सृष्टि में पहलौठा है। सृष्टि की सारी वस्तुएं स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सब यीशु के द्वारा और यीशु के लिए रची गई। वह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं स्थिर रहती हैं। यीशु ने स्वर्ग और पृथ्वी की नींव डाली। समस्त सृष्टि के करोड़ों तारे और आकाश गंगाएं उसके हाथ की कारीगरी है और एक दिन वह उन्हें लपेट देगा। हम इस विषय में और अधिक अपने अंतिम अध्याय उसके दूसरे आगमन में पढ़ेंगे। वेरी नाइस, थैंक यू ब्रदर। तो इसको मैं जरा रिपीट, लास्ट सेंटेंस को एक बार रिपीट करूंगा। हम इसको देखेंगे कि समस्त सृष्टि के करोड़ों तारे, हमें इस जगत पे देखते हैं कि करोड़ों तारे, अनगिनत तारे और आकाश गंगाएं उसके हाथ की कारीगरी है। किसके हाथ की कारीगरी है? यीशु मसीह के हाथ की कारीगरी है, ये हमने सीखा। और एक दिन वह उन्हें लपेट देगा। एक दिन वो लिखा है कि वो यीशु मसीह उन्हें लपेट देगा। इसके बारे में हम आखिर के, हमारा जो आखिर का एपिसोड है या जो इसमें इस किताब में लास्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। हम विश्वास करते हैं कि इस शिक्षा को आपने ग्रहण किया, इस शिक्षा को आपसे आपको आशीष पहुंचा है, और हम ये भी विश्वास करते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में, अगला जो एपिसोड आएगा वो यीशु मसीह का पाप रहित जीवन के बारे में है और वो किस तरह हमारे लिए मेमना बना, पाप रहित मेमना बना, इसके बारे में हम सीखेंगे। हमारे साथ जुड़िए रहिए। प्रभु का आशीष आपके ऊपर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गेट इन टच, कॉल अस ऑन +91 86550 833 302 और ईमेल अस एट info@preceptindia.org। यू कैन ऑल्सो फाइंड अस ऑन www.preceptindia.org।
गॉड ब्लेस यू।